2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में सांसद हिमाद्री सिंह को भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सांसद हिमाद्री का टिकट फाइनल होते ही समर्थकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने क्षेत्र में नागपुर ट्रेन पासपोर्ट ऑफिस समेत कई काम कराए जिससे क्षेत्र को फायदा मिला है। आइए जानते हैं कि हिमाद्री सिंह कौन है जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार भरोसा जताया है। रूप से 2014 के बाद जिस तरह से पूरे देश में जो एक माहौल बना और हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, जो भी देश जनहित में जो निर्णय लिए गए, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो, हमारी जो अल्पसंख्यक बहनें हैं 3 तलाक का मामला हो, और ये बड़े बड़े निर्णय जिस तरह से हमारी सरकार के द्वारा लिए गए, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, तो हम 400 पार के साथ हम ये तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में क्योंकि आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे पुनः इस शहडोल संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करने का जो भरोसा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जताया है और जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मेरे ऊपर जो किया है, उसको निश्चित रूप से मैं पार्टी के जो उसमें मैं खरा उतरूंगी और ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि जो क्षेत्र के हमारे जो विकास कार्य और भी हमको आगे ले जाना है, उसको निरंतर हम आगे बढ़ाने का आप सबके सहयोग से हमारे सभी पार्टी संगठन के माध्यम से शहडोल संसदीय क्षेत्र सांसद हिमाद्री सिंह को भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हिमाद्री सिंह लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी। इससे पहले वो कांग्रेस में थी। भाजपा नेता नरेंद्र मरावी से शादी के बाद वह कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गई। 2019 में हुए चुनाव में हिमाद्री सिंह ने लगभग 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीत कर रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार प्रमिला सिंह को चुनाव हराया था। कांग्रेस का मजबूत किला था परिवार। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह का पूरा परिवार कांग्रेस में था। उनके पिता दलवीर सिंह कांग्रेस से सांसद रहते हुए केंद्र सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही हिमाद्री की मां राजेश नंदिनी भी कांग्रेस से सांसद रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।